ध्यान रखने योग्य बहुत जरूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर एक, तुलसी की पत्तियां, अदरक और काली मिर्च को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और बच्चे को दिन में 2-3 बार दें। इससे बुखार में राहत मिलती है। नंबर दो, एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में घोलकर बच्चों के पेट पर लगाएं। इससे पेट दर्द में राहत मिलती है। नंबर तीन, एक चम्मच सौंफ को पानी में उबालकर बच्चों को पिलाएं। यह पेट दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं में मदद करता है। नंबर चार, एक चुटकी अदरक के रस में शहद मिलाकर बच्चों को दिन में 2-3 बार दें। इससे खांसी और गले की खराश में राहत मिलती है। नंबर पांच, एक गिलास गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर दिन में सोने से पहले पिएं। यह सर्दी और खांसी में लाभकारी है। नंबर छः, सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल से बच्चों की नियमित मालिश करें। यह उनके त्वचा को पोषण देने के साथ ही रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। नंबर सात, सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके उस तेल से मालिश करें। यह जोड़ों के दर्द में फायदेमंद होता है। नंबर आठ, रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पिए। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नंबर नौ, आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे कच्चा जूस या मुरब्बे के रूप में नियमित रूप से सेवन करें। नंबर दस, दूध में कुछ केसर के धागे मिलाकर सोने से पहले पिए। यह मन को शांत करता है और अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। नंबर 11, शहद और हल्दी को मिलाकर छालों पर लगाएं। यह छालों को जल्दी ठीक करता है और गुलाब जल से कुल्ला करने से भी मुंह के छालों में आराम मिलता है। नंबर 12, सरसों के तेल में चुटकी भर नमक मिलाकर मसूड़े पर मालिश करें। यह मसूड़े को मजबूत बनाता है और दर्द में राहत दिलाता है। नंबर 13, आंवला और रीठा को उबालकर उस पानी से बाल धोएं या आंवला का तेल बालों पर लगाएं। यह बालों को मजबूत बनाता है और झड़ने से रोकता है। नंबर 14, मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर पीस लें और बालों की जड़ों में लगाएं। इससे बालों का झड़ना कम होता है और बाल घने होते हैं। नंबर 15, हल्दी और चंदन का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। यह दाग धब्बों को कम करता है और त्वचा को निखारता है। नंबर 16, सूखी त्वचा के लिए नारियल तेल से मालिश करें। यह त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है। नंबर 17, अजवाइन को काले नमक के साथ गर्म पानी में मिलाकर सेवन करें। यह पाचन को बेहतर बनाता है और गैस की समस्या को दूर करता है। नंबर 18, शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए सुबह नाश्ते में 2-3 खजूर दूध में उबालकर जरूर खाएं। नंबर 19, दांतों को स्वस्थ एवं साफ करने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करके एक गिलास पानी पीकर जरूर सोएं। नंबर 20, यदि आधा सिर दर्द हो रहा है तो सौंठ को बारीक पीस लें और देसी घी में भून लें और उसे कपड़े में बांधकर सूंघें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 21, जोर तेज चांदी की पायल पहनती हैं, उन्हें उनके जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होती, हड्डियां मजबूत होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। नंबर 22, गरम दूध के साथ जलेबी खाने से शरीर को ताकत मिलती है, साथ ही जोड़ों के दर्द की समस्या भी दूर होती है। नंबर 23, आंसू रोकने से सिर दर्द और ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। नंबर 24, खजूर के साथ बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान नजर आने लगती है। नंबर 25, भुना हुआ लहसुन खाने से शरीर में मौजूद विषैली पदार्थ यूरिन के बाहर निकल जाते हैं। नंबर 26,
नीम का रस पीने से त्वचा से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। नंबर 27, नहाने के बाद कान के पीछे एक उंगली भरकर तेल लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, साथ ही दिमाग तेज काम करने लगता है। नंबर 28, पानी पीने के बाद झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नली में जा सकता है। नंबर 29, खाना खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे खाना जल्द हजम नहीं होता, साथ ही आपको कब्ज समस्या भी रहने लगती है। नंबर 30, दोपहर की नींद आपको हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।